एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने शनिवार को तहसील के सभागार में कोरोना जांच शिविर पर ड्यूटी कर रहे राजस्व कर्मियों के साथ बैठक किया। एसडीएम सदर ने राजस्व कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय शहर में कोरोना मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ी है, यह केवल जांच से ही संभव हो पाया है। आप लोगों से अपील है कि जाँच में और तेज़ी लाई जाए, इसके लिए आप लोग अपने अपने क्षेत्र में भीड़ वाली जगह को चिन्हित कर जांच कैंप लगवाएं और लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जांच हो सके और कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। इस मौके पर सभी अमीन व लेखपाल मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, शहर में बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए प्रशासन के द्वारा 22 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एवं 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां पे निशुल्क कोरोना जांच करा सकते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे व्यक्ति और ऐसे परिवार जिनमें कोई भी लक्षण उनको नज़र आते हैं, या फिर कोई भी ऐसे व्यक्ति जो पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, तो शहर के 22 अलग अलग जगहों पर, जिसकी सूची तहसील सदर गोरखपुर फेसबुक पेज पे भी मिल जाती है प्रत्येक दिन, उनमें पहुंचकर अपनी निशुल्क कोरोना जांच करा सकते हैं। इस संक्रमण का एक ही इलाज है, जांच। जितनी जल्दी हम जांच करा लेंगे, उतना जल्दी हम उस व्यक्ति को आइसोलेट कर लेंगे। शासन के दिशा निर्देश हैं कि जांच को हमें बढ़ाना है, तो इसी संदर्भ में तहसील सदर का टारगेट को पूरा करने के लिए हमने सभी अमीनों को और लेखपालों को इसमें लगाया हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, तो पूरे तरीके से हम अपने टारगेट से लगभग दुगना हम कर रहे हैं और उस स्पीड से जा रहे हैं। जिस स्पीड से शासन हमसे अपेक्षा कर रहा है, उससे डबल स्पीड से हम टेस्ट करवा रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में इन शिविरों में पहुंचकर लोग अपनी कोरोना जाँच कराएँ। वहीं प्राइवेट में अगर कोरोना जाँच कराते हैं, तो अब जैसे शासन ने कम कर दिया उसका फीस, लेकिन 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यह जाँच निःशुल्क है, सभी पहुँच कर कोरोना जाँच करा सकते हैं।